नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य अकेडमी जबलपुर ब्रांच के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के 10वीं यूनिट के तहत पिछले या लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स को कवर किया था, जिनमें एक टॉपिक था आपका मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण और दूसरा टॉपिक था जनजातियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। दोस्तों, जिन छात्रों ने ये वीडियो नहीं देखा है, वे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और इसी यूनिट के तहत हम अपनी अगली वीडियो या अगले टॉपिक का वीडियो जो है वो लेकर प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। इन जनजातियों को हम तीन भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले मुख्य जनजाति, जिसके अंतर्गत गौड़, भील, कोरकू, कोल, पनिका और अगरिया जनजाति शामिल हैं। वहीं हम विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत मध्य प्रदेश की बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति शामिल हैं। और तीसरा घुमंतू जनजाति जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, वो है बंजारा और भीमा। अब हम इन जनजाति का अध्ययन कुछ बिंदुओं के आधार पर करेंगे, ताकि समझने और उन्हें याद करने में हमें आसान रहे या आसानी से हम इन्हें समझ सकें और याद रख सकें। तो वो बिंदुआ हैं जैसे जनजातियों की सामान्य जानकारी, फिर इनका भौगोलिक वितरण, इनकी उपजातियां, जनजाति विशेष की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन, धार्मिक और व सांस्कृतिक जीवन। तो जनजातियों को हम यदि इन बिंदुओं के आधार पर यदि हम पढ़ेंगे, तो उनको हमें समझने में और याद करने में जो है वो आसानी रहेगी। चलिए, अब हम चलते हैं इसमें। मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है आपकी गौड़। गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। समुदाय की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। यदि हम संख्यात्मक आधार पर देखें तो एक जनजाति के रूप में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील। अब आते हैं हम इसके सामान्य परिचय के बारे में। तो नजाति शास्त्री हिस्लो इनका मानना है कि जो गौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है वो तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है। जिसका अर्थ है पर्वत। अर्थात पर्वतों में निवास करने के कारण इन्हें जो है वो गौड़ कहा गया। वहीं जनरल कनिंघम ये मानते हैं कि ये गौड़ी भाषा में अपने आप को गौड़ की अपेक्षा कोयतोर कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक, और कोयतोर का भी मतलब यही होता है कि पर्वतवासी मनुष्य।
अब मध्य प्रदेश में यदि हम इनका वितरण देखें, भौगोलिक वितरण, तो मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है, लेकिन विशेष रूप से ये नर्मदा के दोनों ओर विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ियों में इनका अधिक संकेंद्रण पाया जाता है, जिसमें मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी आदि जिले शामिल हैं। अब हम गौंड जनजाति की उपजातियां को जानते हैं, तो गौंड जनजातियों में कई उपजातियां पाई जाती है, लेकिन इन उपजातियों से गौंड समाज में कई वर्ग बन गए हैं और ये वर्ग व्यवसाय के आधार पर आधारित होते दिखाई देते हैं। जैसे अगरिया, ये लोहे का काम करने वाली जनजाति है। प्रधान, ये पुजारी होते हैं या पूजा पाठ करने वाले होते हैं। देन फिर आपका ओझा, ये तांत्रिक क्रिया करने वाले उपजाति है, पंडिताई का भी कार्य करते हैं। कोयला भूतिस, कोयला भूतिस ये उपजाति नाच गान करने वाली उपजाति है। और सोलाहस, ये बढ़ईगिरी का काम करती है, ये बढ़ईगिरी का काम करती है। इस प्रकार गौंड जनजाति की ये उपजातियां पाई जाती है। निवास के आधार पर भी देखा जाए तो निवास के आधार पर इनके दो वर्ग मिलते हैं। एक है आपका राजगौंड, और दूसरा आपका धुरगौंड। राजगौंड ये भूस्वामी होते हैं, जमींदार होते हैं, और ये विशेष रूप से सागर दमोह के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यदि हम धुरगौंड की बात करें तो धुरगौंडों की संख्या मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग है, गौंडों में ये इनकी संख्या मध्य प्रदेश में बहुत कम है। इनका अधिकांश जो संख्या है वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। अब इसके बाद हम गौंड जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, तो गौंड जनजाति का समाज जो है वो पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय समाज है। ये पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय समाज है, जिसमें वंश नाम यदि पितृसत्तात्मक देखें तो पिता के कुल के आधार पर संचालित होता है, और पितृस्थानी मतलब लड़का लड़की से विवाह करके जो लड़की को लेकर आते हैं वो लड़के के घर पर जो है वो क्या करती हैं, आपकी निवास करती हैं। गौंड जनजाति के परिवारों में यदि हम देखा जाए तो परिवार का जो मुखिया होता है वो वयोवृद्ध व्यक्ति होता है। अब इनमें यदि विवाह देखें तो गौंड जनजाति में कई प्रकार के विवाह
प्रचलित हैं। विवाह जिनमें प्रमुख है आपका दूध लौटावा, पठोनी विवाह, चढ़ विवाह, और लमसेना। इसको सेवा विवाह के नाम से भी जाना जाता है, सेवा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। दूध लौटावा में ममेरे फुफेरे भाई बहनों के विवाह को, या ममेरे फुफेरे भाई बहन जो है वो आपस में विवाह कर सकते हैं, और गौण जनजाति में ये एक अधिमान्य विवाह है। पठौनी विवाह के अंतर्गत यदि हम देखें तो पठौनी विवाह के अंतर्गत दुल्हन बारात लेकर दूल्हे को लेकर आती है, जो यदि हम सामान्य या हिंदू समाज में यदि हम बात करें तो हिंदू समाज में दूल्हा बारात लेकर जो है वो दुल्हन को लेकर आता है, और इसके अंतर्गत यदि पठौनी विवाह में यदि हम बात करें तो दुल्हन बारात लेकर दूल्हे को जो है वो लेकर आती। चढ़ विवाह, ठीक है, ये सामान्य विवाह का प्रकार है जिसमें दूल्हा, ठीक है, बारात ले जाकर दुल्हन को अपने घर लेकर आता है। और वहीं लमसेना विवाह या सेवा विवाह, ठीक है, तो सभी जनजातीय समाज में एक वधु मूल्य की प्रथा प्रचलित है। वधु मूल्य की प्रथा प्रचलित है। वधु मूल्य जब कोई इच्छुक लड़का या वर कन्या पक्ष को कुछ शुल्क भुगतान कर वधु या लड़की को प्राप्त करना चाहता है तो उस शुल्क को वधु मूल्य कहते हैं, और ये लगभग सभी जनजातीय समाज में प्रचलित है। लेकिन लमसेना या सेवा विवाह में गौण जनजाति में ये माना जाता है कि जो लड़का या वर वधु मूल्य चुकाने की स्थिति में ना हो तो वो अपने भावी ससुर या होने वाले ससुर को सेवा प्रदान करता है, या कृषि या अन्य कार्य में उसकी मदद करता है, और वो प्रसन्न होकर कन्या को उसे जो है वो सौंप देते हैं या उसे दे देते हैं, ठीक। और जो लमसेना होता है, लमसेना, ठीक है, यहाँ पर जो सेवा प्रदान करता है उसे कहा जाता है लामनाई, उसे कहा जाता है आपका लामनाई। तो इस प्रकार जनजातियों में ये विवाह प्रचलित, जनजातीय गौण जनजाति में ये विवाह प्रचलित है। और गौण जनजाति में बहिर्विवाह और अंतर्विवाह के नियमों का भी कठोरता से पालन किया जाता है। जैसे अंतर्विवाह के नियमों के अंतर्गत यदि हम देखें तो राजगौण और ध्रुवगौण ये आपस में विवाह नहीं करते हैं। यदि बहिर्विवाह नियमों के अंतर्गत देखा जाए तो ये, क्योंकि जनजाति समुदाय जो है वो एक टोटम को मानते हैं, तो एक समान टोटम समूह के लोग सदस्य जो है वो आपस में विवाह नहीं करते। अब हम आते हैं आपके टोटमवाद। ये टोटम क्या है या टोटमवाद क्या है? तो टोटमवाद जनजातियों के जीवन के धार्मिक और सामाजिक संगठन की एक अनूठी विशेषता होती है। कोई जनजाति अपने गोत्र को केवल मनुष्यों या व्यक्तियों तक सीमित ना रख करके, बल्कि वो भौतिक वस्तुओं, पेड़ पौधों, ठीक है, पशु आदि से स्थापित करते हैं, जिसे हम गोत्र चिन्ह या गढ़ चिन्ह भी कहते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास आदि का जो है वो भाव होता है, जो उनके सामाजिक और वैवाहिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं, उसको कहा जाता है आपका टोटम या टोटमवाद। ठीक, तो अंतर्विवाही समूह में, अंतर्विवाह के अंतर्गत ये, ठीक है, टोटम यानी एक ही टोटम समूह के सदस्य आपस में विवाह नहीं करते। चलिए अब
इनके रहन सहन की बात करते हैं। तो गौण जनजाति अपेक्षाकृत वस्त्रों का कम प्रयोग करती है। यदि हम पुरुष देखें तो पुरुष बंडी और घुटने के ऊपर तक धोती पहनते हैं, सिर पे ये मुरेठा जिसको हम साफा कहते हैं, पगड़ी कहते हैं, वो बांधते हैं और कंधे पर पिछौना रखते हैं। स्त्रियां धोती पहनती है लेकिन ये चोली का प्रयोग नहीं करती। स्त्रियां आभूषण प्रिय होती हैं, मूंगा, मोती, मिश्र धातु जैसे पीतल, कांसे, ठीक है, आदि से बनी हुई ये आभूषण प्रयोग करती हैं और गुदना प्रिय होती है। गुदना एक प्रकार का टैटू होता है जिसको हम आज की भाषा में टैटू बोलते हैं, ठीक है, और ये प्राचीन काल से ही उसका उपयोग करते आए हैं, तो अपने शरीर में ये गुदना गुदवाती है। यदि खान पान की दृष्टि से देखा जाए तो ये शाकाहार और मांसाहार दोनों होते हैं और इनके भोजन में मुख्य रूप से मोटे अनाज होते हैं और कंद मूलों का भी ये प्रयोग करते हैं। गौण जनजाति में अतिथि सत्कार का बड़ा महत्व होता है और उनके लिए इनके घरों में एक साफ सुथरा कमरा जो है वो पृथक होता है अतिथियों के लिए। तो ये तो हुई गौण जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। अब हम गौण जनजाति का आर्थिक जीवन आते आर्थिक जीवन गौण जनजाति का या जीविका उपार्जन का प्रमुख साधन कृषि है और ये जनजाति मुख्यतः बारी नामक खेती करती है। बारी नामक खेती करती है जिसके तहत ये सरसों, कोदो कुटकी, साग आदि को जो है वो उगाते हैं। इनमें स्त्रियां, कुछ स्त्रियां होती हैं जो वन उत्पादों को एकत्रित करती हैं और हाट या बाजार में ले जाकर उनको विक्रय करती हैं। इसके अलावा पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इनके आजीविका के प्रमुख साधन। आर्थिक जीवन के बाद गौण जनजाति के हम धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन, गौण जनजाति धार्मिक रूप से आस्थावान और आत्मावादी जनजाति है। ये पूर्वजों की आत्मा पर विश्वास करते हैं और इनके सर्व प्रमुख देवता हैं बड़ा देव। इनके सर्व प्रमुख देवता हैं बड़ा देव। इसके अतिरिक्त ये ग्राम देवता के रूप में ठाकुर देव, बीमारियों से रक्षा या रोगों से रक्षा के लिए दूल्हा देव और नागदेव और नारायण देव की भी पूजा करते हैं। गौण जनजाति में धर्म के अलावा जादू पर भी विश्वास किया जाता है या जादू का भी महत्व है। इनके मृतक संस्कार की यदि हम बात करें तो मृतक संस्कार में ये दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं, अग्निदाह भी करते हैं और दफनाने की भी प्रथा है। यदि सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो गौण जनजाति एक संस्कृति संपन्न जनजाति है। यदि इनकी प्रमुख भाषा तो वह है गौणी, इसके अलावा ये डोरली, हल्बी और भतरी भाषा भी बोलते हैं। इनकी सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र घोटुल, महत्वपूर्ण केंद्र घोटुल, जिसे युवा ग्रह भी कहा जाता है, जिसे युवा ग्रह भी कहा जाता है, इसके सदस्य अविवाहित युवक और युवतियां होती हैं और मूल रूप से ये, ठीक है, गौण जनजाति के युवक और युवतियों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले एक प्रशिक्षण शाला के रूप में भी ये कार्य करता है और सांस्कृतिक संस्था भी है ये।
गौर जनजाति के प्रमुख पर्वों या त्योहारों की बात करें तो इनमें आपका बिदरी नवाखानी, नई फसल के आ जाने पर उसका जो भोजन तैयार करते हैं उसको नवाखानी के नाम से जाना जाता है, जवारा, बकपंथी, जवारा, बकपंथी, मड़ई, छेरता आदि इनके प्रमुख पर्व। इनके यदि हम प्रमुख नृत्यों की बात करें, नृत्य, तो इनका सर्व प्रमुख नृत्य है कर्मा। ये स्त्री प्रधान नृत्य है और इसका मुख्य वाद्य यंत्र है आपका मांदर। ये विश्व का ऐसा प्रथम लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है या शामिल किया गया है। इसके अलावा ये सजनी, सुवा, कहरवा आदि, बिरहा आदि नृत्य भी करते हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध चित्र है नोह डोरा, प्रसिद्ध चित्र नोह डोरा, ठीक है। ये इनमें ये भित्ति अलंकरण है जो गौण जनजाति में विशेष प्रचलित है। भित्ति है ना, दीवालों पर ये बनाई जाती है। और डिंडौरी जिले का जो पाटनगढ़ गांव ये गौण चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र, ठीक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गौण जनजाति एक संस्कृति संपन्न जनजाति है। अब हम दूसरी जनजाति आते हैं, भील जनजाति को यदि देखा जाए तो ये भारत की तीसरी बड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसमें भील जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा की, भिल्ल से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द और द्रविड़ भाषा के ये बील से मानी जाती है। इसका अर्थ होता है धनुष। तो भील जनजाति यदि हम देखें, धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें भील कहा गया। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड मूल से संबंधित जनजाति है और प्रदेश की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, जिसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। वैदिक काल की अनार्य जातियां जिन्हें निषाद भी कहा गया है उनमें से एक जाति भील भी शामिल है। और इनको, ये भील जनजाति को मामा संबोधन ये सबसे प्रिय लगता है। मामा संबोधन, अपने आप को मामा संबोधित संबोधन जो है वो पसंद करते हैं ये जनजाति, ठीक। यदि भील जनजाति का मध्य प्रदेश में वितरण देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इनका वितरण, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग या पश्चिमी मध्य प्रदेश में विशेष रूप से अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, धार आदि जिलों में निवासरत हैं भील जनजाति की उपजातियां। भील जनजाति की पांच प्रमुख उपजातियां पाई जाती हैं, जिनमें भीली,
भिलाला, पटालिया, रथियास और बैगास। इसमें बैगास जो उपजाति है वो मंडला क्षेत्र में पाई जाती है। इस जनजाति में व्यवसायिक आधार पर भी कई वर्ग हैं, जिनमें एक है भगत। व्यवसायिक आधार पर भगत, पुजारो और कोटवार, ये व्यवसायिक आधार पर वर्गीकरण है। भगत सबसे भील जनजाति में सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। पुजारो औषधियों और रोगों का उपचार करने वाला व्यक्ति होता है और कोटवार भीलों के गांव का प्रशासन करने वाला व्यक्ति होता है। यहां पर एक और ध्यान देने योग्य बात है कि औरंगजेब के शासन काल के समय जिन भीलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था उन भीलों को तड़वी भील कहा जाता है। उन भीलों को तड़वी भील कहा जाता है। अब हम भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक जीवन के बारे में आते हैं। भील समाज भी पितृस्थानीय और पितृसत्तात्मक समाज है। मैंने जैसे पहले भी बताया था पितृस्थानीय का मतलब होता है विवाह के बाद लड़की अपने पति के घर आकर रहती है और पितृसत्तात्मक का मतलब वंश का निर्धारण पिता के कुल के अनुसार होता है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है वो परिवार का मुखिया होता है। पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति का बंटवारा होता है वो संपत्ति का आधा भाग सबसे छोटे पुत्र को और शेष आधा भाग अन्य पुत्रों में बांटा जाता है। तो ये इनका परिवार के संदर्भ में हो गया। अब आते हैं हम विवाह। भील जनजाति में विवाह की आयु की कोई निश्चित सीमा नहीं है। सामान्यतः एकल विवाह ही होते हैं लेकिन कहीं कहीं बहुविवाह भी प्रचलित है। अपने पसंद की जीवन साथी चुनने का इनकी इनको स्वतंत्रता होती है और इनमें गंधर्व एवं अपहरण विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और इनका एक प्रमुख प्रणय पर्व है भगोरिया जो होली के समय मनाया जाता है, ठीक, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके उसका नाटकीय ढंग से अपहरण कर लेता है। तो भगोरिया इनमें एक विवाह का भी एक तरीका है, ठीक है, जिसमें दो तरीके प्रचलित हैं। ऐसी मान्यता है कि भगोरिया उत्सव के दौरान, ठीक है, यदि कोई लड़का किसी पसंद की लड़की को गुलाल लगा दे और वो लड़की भी यदि उसके गाल में वापस गुलाल लगा दे तो एक दूसरे की रजामंदी मानी जाती है, अर्थात एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो, ठीक है, आपस में विवाह कर लेते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार, ठीक है, पान खिलाने का, कि यदि लड़का लड़की को पान खिला दे और लड़की उस पान को चबा ले तो विवाह की रजामंदी मानी जाती है, और यदि वो पान थूक दे तो, ठीक है, रजामंदी नहीं मानी जाती और वो एक दूसरे को आपस में पसंद नहीं करते।
तो एक ये दिलचस्प प्रकार का जो है वो एक विवाह है। इसी प्रकार एक और आकर्षक विवाह का प्रकार है गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो, इसको परीक्षा विवाह भी कहा जाता है। ठीक, इसमें एक स्तंभ के चारों ओर युवतियां नृत्य करती हैं और उस स्तंभ में युवक को चढ़ना होता है, लेकिन युवतियां युवक को चढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, उसको डंडे से मारती हैं, लेकिन यदि कोई युवक उस खंभे में या स्तंभ में चढ़ने में सफल होता है तो वो अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर सकता है। तो इस प्रकार इसमें या भील जनजाति में भगोरिया, जो एक प्रकार का प्रणय पर्व है और जिसमें अपहरण करके विवाह किया जाता है, और दूसरा गोल गधेड़ो जो परीक्षा विवाह का एक स्वरूप है। इसके अलावा इनमें सेवा विवाह भी प्रचलित है। तलाक और विवाह विच्छेद भी यहाँ पर किया जा सकता है इनमें, और वधु मूल्य का भी प्रचलन भील जनजाति में पाया जाता है। अब भील जनजाति के रहन सहन के बात करते हैं हम, तो भील जनजाति के लोग सामान्यतः पहाड़ी स्थानों पर अपना निवास स्थान बनाते हैं, ठीक, जो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, और इनके बसाहट को जो है वो फालिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनके मकानों को कू कहा जाता है, मकान को कू कहा जाता है, लेकिन जो मकानों का समूह होता है या गांव है वो क्या कहलाता है आपका, फालिया। भील, यदि हम इनके वस्त्रों की बात करें तो भील पुरुष लंगोटी और सिर पर साफा बांधते हैं, स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र जो है वो पहनती हैं। आभूषण, स्त्रियां आभूषण प्रिय होती हैं, लोहे चांदी मिश्र धातु आदि से बने आभूषण पहनते हैं और पुरुष भी आभूषणों को धारण करते हैं। स्त्रियां शरीर पर गुदना गुदवाती हैं। यदि हम इनके खान पान की बात करें तो इनका मुख्य जो पेय है वो ताड़ी है, मुख्य पेय इनका ताड़ी, और मुख्य भोजन जो है वो मक्का है, लेकिन इनका प्रिय खाद्य पदार्थ राबड़ी होता है। इनका जो प्रिय खाद्य पदार्थ है राबड़ी है, और सामान्यतः ये शाकाहार और मांसाहार दोनों होते हैं। यदि हम भील जनजाति की आर्थिक जीवन या इनके आजीविका के साधन की बात करें तो भील जनजाति की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। हालांकि ये एक निर्धन जनजाति है, कृषि के अलावा ये खेतों में मजदूरी, पशुपालन, वन उत्पादों का एकत्रण, शहरों में भवन निर्माण में दिहाड़ी मजदूरों के रूप में भी ये कार्य करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। भीलों द्वारा स्थानांतरित कृषि भी की जाती है, उसको चिमाता के नाम से जाना जाता है। भीलों में इसे चिमाता के नाम से जाना जाता है। इनको ये कहा जाता है कि इनकी आर्थिक विपन्नता का एक प्रमुख कारण है आय से अधिक व्यय, है ना, और आय से अधिक व्यय के कारण ये साहूकारों महाजनों आदि से जो ऋण लेते हैं और ऋण के दुष्चक्र में ये फंस जाते हैं। इसका एक और कारण है, वो है वधु मूल्य। वधु मूल्य जो भील जनजाति में थापा प्रथा का रूप ले लिया था, दापा प्रथा, सॉरी दापा प्रथा के नाम से जाना जाता है इसमें, ठीक है। हालांकि 2016 में सरकार के द्वारा इसे समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया था। तो भील जनजाति में आर्थिक विपन्नता या आर्थिक स्थिति इनकी दयनीय होने का एक ये भी प्रमुख कारण। अब भील जनजाति की यदि हम धार्मिक और
सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो भील जनजाति आत्मावादी होते हैं, धार्मिक आधार पर ये आत्मावादी होते हैं और इनके सर्वप्रमुख देवता हैं राजा पंथा। इनके सर्वप्रमुख देवता जो हैं वो राजा पंथा। ये नाग की उपासना और घोड़े पर भी आस्था रखते हैं, ठीक, ये पशु बलि भी चढ़ाते हैं और हिंदू संस्कृति के प्रभाव के कारण ये महादेव, गणेश आदि देवों की भी पूजा करने लगे हैं। सांस्कृतिक रूप से यदि देखा जाए तो ये संस्कृति संपन्न जनजाति है, भील एक संस्कृति संपन्न जनजाति है और विश्व की ये सर्वाधिक रंगप्रिय जनजातियों में से एक है, गहना प्रिय जनजाति भी है। इस जनजाति में घूमर और गौरी ये प्रमुख लोकनृत्य प्रचलित हैं और इनका सर्वप्रमुख पर्व है वो है आपका भगोरिया। सर्वप्रमुख पर्व भगोरिया। इनमें चित्रकारी भी, चित्रकारी की भी एक विशेषता होती है, ठीक है, और इनका प्रसिद्ध चित्र जो है वो पिथौरा है। प्रसिद्ध चित्र पिथौरा, ठीक है, इसमें ध्वनि सुनकर के रेखांकन किया जाता है चित्र का, जिसके प्रमुख चित्रकार हैं, हालांकि इनका निधन हो गया है, पेमा फालिया और अभी दूसरी वर्तमान में है भूरी बाई, जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार ये भील जनजाति का सांस्कृतिक जीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने गौड़ और भील जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। यदि जनजातियों से संबंधित इस टॉपिक में देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछने की जो संभावना होती है वो इन विशेष जनजाति का जो भौगोलिक वितरण है, इनकी उपजातियां हैं, इनके सांस्कृतिक पक्ष जैसे इनका नृत्य है, पर्व है, चित्रकला है आदि से संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है, जिनमें कोरकू, कोल, पनिका और अगरिया इन जनजाति को, इन जनजातियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।